चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। ये तो सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है, चार्ज पार्टिकल फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, ये स्टेटमेंट गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक पॉजिटिव चार्ज रखा है या नेगेटिव चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा तो फोर्स इधर लगेगा, उधर ही मूव करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए तो ये स्टेटमेंट ठीक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, लेकिन निगेटिव में फोर्स अपोजिट लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और उस केस में निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये स्टेटमेंट पॉजिटिव के लिए तो ठीक है, लेकिन निगेटिव के लिए ठीक नहीं है, लेकिन यहां पर पॉजिटिव तो बोला नहीं है, सिर्फ चार्ज पार्टिकल बोला है, तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज पार्टिकल है, यानी नेगेटिव चार्ज भी तो चार्ज पार्टिकल है, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया ना, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया। बाकी स्टेटमेंट सी देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्फेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सर्फेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्फेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अरे वो कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलरली नॉर्मली निकलती है बाहर, बाद में वो इधर उधर हो जाए, ऐसे ऐसे चली जाए, वो अलग बात है, लेकिन जब निकलेगी तो नॉर्मली निकलेगी। चौथा क्या कह रहा है, डी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर होता है, ये निगेटिव का साइन यही तो बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी पोटेंशियल डिक्रीज करता है, पोटेंशियल डिक्रीज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, पोटेंशियल डिक्रीज करता है, ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो गलत क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो यही ऑप्शन सही होना चाहिए क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था, तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।